हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मेरा मॉर्निंग सारा काम हो चुका था और सारा कंप्लीट हो गया है। बस नहाकर मैं कपड़े ही फैला रही हूँ, कपड़े भी धुल गए हैं, और इसके बाद मैं बनाऊँगी लंच। तो सारे कपड़े फैला देती हूँ और सिंपल सा ही लंच बना रही हूँ। तो चलिए पहले कपड़े फैला देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी। और यहाँ थोड़ी देर के लिए, मतलब बाहर हस्बैंड आ रहे थे बार बार, तो उनका चेहरा मुझे नहीं वो करना पड़ा, क्योंकि वो अभी सामने नहीं आना चाहते। जब सामने आएंगे तब आप लोगों से मिलवाऊंगी। तो ज़बरदस्ती नहीं है ना किसी से, अगर नहीं आना चाहते तो कैसे ला सकती हूँ। अपनी मर्ज़ी से कोई इंसान सामने आता है तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ कार्तिक भी उधम कर रहा था, आप लोग देख रहे थे, मस्ती कर रहा है। तो बस थोड़े से कपड़े और हो गए, तो फैला दूँगी सारे कपड़े मैं। और मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि अपने घर के बाहर का व्यू दिखाएं। तो पौधे तो मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। तो इस जो कमेंट था कि बाहर का व्यू दिखाएं, तो दीदी मैंने दिखाया है, मैंने अपनी वीडियो में कई बार दिखाया है अपने बाहर का व्यू। और इसलिए दिखाया क्योंकि एक ही रूम है, तो अंदर बाहर मेरा होता ही रहता है। और मेरा होम टूर वीडियो भी उसमें हैगा चैनल पर, तो आप प्लीज़ एक बार जाकर चेक कर लें, तो उस पर मिल जाएगा आपको। मैंने अंदर से लेके बाहर तक का व्यू दिखाया है, तो आप एक बार चेक ज़रूर करें, तो आपको मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो फिर बोलिएगा, तो मैं फिर से दोबारा से दिखा दूँगी, फिर से बना दूँगी वीडियो, ठीक है? तो चलिए अभी कर लेते हैं फटाफट से काम। अच्छा लगा लेकिन आपने जो पूछा मुझसे कि बाहर का व्यू, मतलब कमेंट करते हैं ना तो आप लोग, अच्छा लगता है, इसी तरह करते रहें आप लोग, और प्लीज़ आगे भी सपोर्ट करते रहें मेरे चैनल को। और अभी तो फ़िलहाल काम चल रहा है, इस वजह से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। तो थोड़ा सा बस काम हो जाए, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूँगी। पर पहले का जो रहा वो क्लियर था, अभी का मैं दिखाऊँगी तो कुछ आपको समझ में भी नहीं आएगा इस वजह से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? और मेरा सारा काम हो गया है मॉर्निंग का, तो नाश्ता वगैरह सब हो गया, नहाना धोना, कपड़े सब फैला, मतलब मैंने धोकर फैला दिए हैं। बस अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। तो लंच में सिंपल सा ही दाल चावल बना रही हूँ, और बस तो यही आप लोगों से मतलब बताना था। और थोड़ा सा बैठी हूँ अभी, तो मैं बहुत देर से मतलब काम कर रही हूँ सुबह से, तो बैठी हूँ थोड़ा सा, बस 5 मिनट बैठूँगी, फिर लंच बनाऊँगी। फिर उसके बाद लंच बनाने के बाद एडिटिंग करूँगी बैठकर। मुझे 2-3 बार लग जाता है एडिटिंग करने में टाइम, बड़ी बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लग जाती है एडिटिंग करने में, पता है। फिर भी आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे मुझे ना, प्लीज़ ऐसा मत करो, थोड़ा सा बस सपोर्ट कर दो। चलिए फिर बनाते हैं खाना। और आप लोग ने देख ही लिया होगा और देख पा रहे होंगे कि मैंने वीडियो स्टार्ट करना शुरू किया नहीं कि कार्तिक आके बैठ गया मेरे किचन काउंटर पे। तो बस अब उसका इधर से उधर सामान रखना शुरू हो जाएगा, बस यही करेगा कि मैं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, खड़ा हो गया है। तो यहाँ मैं मतलब दूध आया था, दूध का पैकेट, तो मैं उसे उबाल दे रही हूँ। आज लेट हो गए हैं क्योंकि आज हस्बैंड बहुत लेट उठे थे 11 बजे, तो लेट सो रहे हैं ना तो लेट उठ रहे हैं, मैं बहुत मतलब उठा ही नहीं उठे थे, तो इस वजह से दूध लेट हो गया है। तो आज 11 बजे आया था, 12 बजे आया था, तो मैं अब उबाल रही हूँ इसको। और
फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी चाय भी बनाऊंगी, और क्योंकि लंच करने में बहुत टाइम है अभी बाकी इस वजह से। और यहाँ पर नीचे कार्तिक खाना खा रहा था तो पूरा लेके गया है पुलाव, रात को पुलाव बनाया था तो वो पुलाव लेके और बैठ गया है और कह रहा मैं पूरा खाऊंगा, तो खाया नहीं है ये देखिए। और उसको कौर फंस गया है तो बोल रहा था पानी चाहिए मम्मी, तो पानी पीना इसलिए कि मतलब एक्टिंग बहुत करता है कि जिसमें ना मम्मी जल्दी से आ जाए फटाक से, तो इसकी मस्ती चलती रहेगी, हम अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया है, अब मैं दाल वाल निकाल लूँगी, चावल निकाल लूँगी, और अच्छे से मैंने दाल को धो लिया है और बस पहले मैं उबलने के लिए रख दूँगी। दाल चावल तो क्या है, सिंपल सा ही है, सभी को पता है कैसे बनाते हैं, पर अब वीडियो बनाई हूँ तो मैं थोड़ा बता ही दे रही हूँ। बस सिंपल सी ही मैं इसमें टमाटर और थोड़े थोड़े सभी मसाले डाल दूँगी और नमक सभी चीज़ डालकर और इसे अच्छे से पका लूँगी, और फिर उसके बाद आखिरी में इसको बघार दूँगी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम ऐसे ही उबली हुई दाल भी खा लेते हैं, मतलब पसंद है तो खा लेते हैं, ऐसे ही उबाल देते हैं तो अच्छी भी लगती है गरम गरम। और यहाँ पर हल्दी ख़त्म हो गई थी, हम मेरे डेली के जो मसालेदानी का डब्बे में है ना वो हल्दी ख़त्म हो गई थी, तो मैं उसमें भर ले रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, तो मैंने इसी तरह पैक करके रखी हुई है डब्बे में हल्दी को पन्नी के सहित, क्योंकि अब बरसात का मौसम आने शुरू हो गया है तो अच्छे से पैक करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी शीत अगर अंदर चले गई ना तो पूरी फफूंद जाएगी, ख़राब हो जाती फिर, तो इसी तरह रखी हूँ। और सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और एक टमाटर काट रही हूँ तो उसको भी मैं डाल दूँगी। और यहाँ साथ के साथ मेरी क्लीनिंग भी चलती रहती है, ज़रा सा कुछ गिराने के बस वहाँ साफ़ करना ज़रूरी है, और वो इसलिए भी करती हूँ मैं, मतलब मेरी आदत ही है और इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मेरा काउंटर टॉप बहुत छोटा है, आप लोग देखते ही होंगे, बहुत ही छोटा है, ज़्यादा सामान नहीं आ पाता है, तो मुझे बस जितना कुछ भी फैलता है फटाफट से मुझे वहाँ से हटा के साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि साथ के साथ मैं करती भी जाती हूँ ना, तो इससे ज़्यादा फैलता नहीं है मेरा कमरा इसी वजह से। और बस यहाँ पर चावल धो रही हूँ मैं, तो चावल को भी चढ़ा दूँगी, और मैं गंजी में बना रही हूँ तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ, उसमें भी अच्छे बनते हैं, ज़्यादातर मैं इसी तरह से बनाती हूँ, कुकर में बहुत कम बनाती हूँ। गंजी में क्या है और यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना शाम टाइम, तो ये मैडक आ गया, कार्तिक चिल्ला दिया, मैडक का भी आना शुरू हो गया है क्या क्या हो जाता है। तो दूध उबल गया था और मैंने दूध को उबाल के और रख दी हूँ, और चावल चढ़ा दी हूँ मैंने, चावल में मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ जिससे सारी चीज़ें एक सी लगें। और प्लीज़ आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें अपनी राय, मुझसे भी शेयर किया करें। और चावल बन गए हैं, अब मैं थोड़ी सी चाय बना रही हूँ क्योंकि अभी टाइम है, और आप लोगों ने टाइम देख ही लिया होगा, 1:30 बज गए हैं करीब और खाना मेरा बन चुका है, बस दाल चावल ही बनाया है, कुछ सब्जियाँ भी आई नहीं, तो चाय चढ़ा दूँगी मैं, अभी मैं चाय पीऊँगी फ़िलहाल। और चावल देखिए कितने अच्छे बने हैं, गंजी में भी बहुत अच्छे से बन जाते हैंगे, बस उतना ही मेजरमेंट रखो जितना चावल मतलब कुकर में रखते हैं ना उसी हिसाब से गंजी में भी रख दो तो अच्छे से बन जाते हैं।
अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात बोलूँगी कि बुरा नहीं मानना, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग सिर्फ बड़े यूट्यूबर्स लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि उनकी वीडियो सभी लोग देखते हैं। ज़्यादा वो नहीं बोल रही, मैं खुद भी देखती हूँ, पर उनके बहुत सब कुछ रहता है तो सब लोग देखते हैं। तो प्लीज़ हम लोगों को भी सपोर्ट कीजिए, हम छोटे यूट्यूबर्स की नए नए आए हैं, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हम लोग भी थोड़ा सफल हो पाएंगे ना। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दें हमें भी, बस यही कहना था। आप लोग बुरा नहीं मानना, मैं ऐसे गुस्से में मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ आप लोगों से कि किसी की मत देखिए, सबकी देखिए पर सपोर्ट कीजिए। यहाँ मैंने चाय बना ली है और थोड़ा सा बैठी हूँ, और इतनी ज़्यादा गर्मी अभी भी है, पानी गिरता है लेकिन उमस वाली गर्मी रहती है। तो बस चाय वाय हो गई थी, और यहाँ ये कार्तिक ने थोड़ा सा सूट कर ही दिया था, कह रहा था खाना कभी दिखाया करो, तो हमने सोचा चलो ठीक है, कर उसने ऐड कर दिया कि क्लिप कर दी थी, तो मैंने इसमें ऐड कर दी। बस यहीं तक था मेरा वीडियो।